नमस्कार दोस्तों, YSMS क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दोबारा बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले जितने भी हमने वीडियोज बनाए हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब भी आपसे अप्लाई करवाने के लिए बोला जाता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे आप कंपेयर करते हैं, ए बी सी की वैल्यू आप निकालते हैं। तो यहां पर देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से जब आप इसकी कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, बी की वैल्यू यहां पर आपकी 5 आ जाएगी और सी की वैल्यू यहां पर आपकी आ जाएगी 1। तो आप पहले वैल्यू निकालेंगे यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू क्या यहां पर 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू है 1, तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 4 जा 16 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9। अब आपको रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, और माइनस बी का मतलब क्या हुआ, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 9 आई है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है। तो अब यहां पर देख लीजिए, माइनस 5 प्लस माइनस रूट 9 का स्क्वायर रूट आप कर लीजिए इसका, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अपॉन 4 टू जा 8। अब x की एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं पॉजिटिव, तो माइनस 5 प्लस 3 अपॉन 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5 और 3 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 8, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि माइनस 1 अपॉन 4 हो जाएगा। अब सेकेंड केस देख लीजिए, सेकेंड केस में आपको माइनस साइन लेना है, तो जब आप माइनस साइन लेंगे तो माइनस 5 और माइनस 3 अपॉन 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस 8 अपॉन 8, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगा और सी की वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, बी की वैल्यू क्या है 9, तो 9 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, तो 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81, माइनस 4 टू जा 8, 8 7 जा 56, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। अब आपको रूट्स निकालने हैं इसके, तो एक्स स्क्वायर टू क्या होता है माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या है 9, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, 25 हो जाएगा अपॉन 2a, और a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसे देखिए आप माइनस 9 प्लस माइनस 5 हो जाएगा अपॉन में 4। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 4, तो यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। सेकंड केस देखिए, जब आप इसको माइनस साइन लेते हैं तो माइनस 9 और माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा, तो माइनस 9 प्लस माइनस 5 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 14 अपॉन 4, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 27 जा 28। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।